आज अच्छा मौका है। एक एक करके हमारे रास्ते के सारे कांटे साफ हो गए। आज उस देशभक्त की बारी है। साले के ऐसे हाथ पैर तोड़ना कि चलने फिरने लायक ना रहे, समझे? चलो निकलो। कौन हो तुम लोग? पहले तो कभी नहीं देखा तुम लोगों को। क्या सोच रहे हो बाबा? क्या सोच रहा भैया? आजकल सच्चाई और भलाई के रास्ते पर कांटे और कांटे बिछे हुए हैं। लगता है आज आपको अपने बीते दिनों की याद आ गई। हाँ, आज पुराने जख्म फिर से ताजा हो गए। हिम्मत नहीं हार रहा। वो नौजवान है ना, समझ गए ना, उसकी आप बीती सुनकर यकीन नहीं होता। इतने उतार चढ़ाव आने के बाद भी वो हिम्मत नहीं हारा। गांधी के सिद्धांतों पर चलते हुए उसे बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उस नौजवान ने अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गांव में बापू के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश की। हो गई दो दिलों की टक्कर। माफ करना बाबूजी, हमने जानबूझकर आपको टक्कर नहीं मारे। टक्कर तो हो गई, अब लगे हाथ सात फेरे भी हो जाएंगे। ओफो, आपने तो बात का बतंगड़ ही बना दिए। बतंगड़ नहीं, अपने दिल की बात कह दी। हमारा दिल बहुत बड़ा है, पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स की तरह। कोई भी आकर चिट्ठी डाल दे। मगर ये लेटर बॉक्स सरकारी नहीं, प्राइवेट है, जिसकी चाबी अभी तक मेरे पास है, किसी को दी नहीं। सच? सच, झूठ बोले तो कौवा काटे। बन गई बात और हो गया दो दिलों का लेन देन। चल बसंती, ना तो तेरे पास शोले का टांगा घोड़ा है और ना ही वीरू जिससे तू अपने दिल की बात बता सके।
काले दुपट्टे वाली जरा नाम तो बता। अरे तुमने तो मेरा मटका फोड़ दिया। वो जाने मन मटके तो और भी बन जाएंगे। ये आटे मेरी जान आ रही है। चोशीना जुल्फो वाली जाने जहा ढूंढती है काफिर आके किसका निशा। अरे यार वो मटक मटक कर नाचने वाली शमा आजकल नजर नहीं आती। लगता है आजकल उसका धंधा जोरों पे चल रहा है। अरे यार आज साथ साथ दिल बहलाने वाली बात भी कर लो। अरे वो है ना रूपा चमेली जो। खामोश, अगर ज्योति के बारे में किसी ने कुछ भी सोचा तो। अरे हाँ हम सभी तो ये भूल ही गए कि ज्योति में तो की शक्ति में भक्ति है। कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना। पर वीरू तेरी फिर उस बसंती का क्या होगा? अरे यार बसंती तो घर की मुर्गी दाल बराबर है। पर साली वो ज्योति न जाने किस मिट्टी की बनी है। मेरे प्यार का रंग ही नहीं चढ़ता उस पर। पर तुम कौन से कम हो, तुम भी तो गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। अरे यारो बहुत दिन हो गए कोई पार्टी नहीं किया, क्या ख्याल है सबका? हाँ यार, गुड आइडिया। अरे 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 दूर से बात कर, दूर से। कहाँ लिए जा रहे हैं इन बच्चों को? अरे दिखता नहीं है, बुआई कराने ले जा रहे हैं। बुआई कराने? हाँ। ये बच्चे अब कोई बाल मजदूरी नहीं करेंगे। कहा है? ये सरकार का फैसला है, बच्चों से बाल मजदूरी कराना कानूनी अपराध है। और ये ही हमारी बिरादरी का भी फैसला है। और आप किसके हुक्म से इन बच्चों को लिए जा रहे हैं? दीदी हमें जबरदस्ती ले जा रहा है। क्यों? दीदी ये कहता हमारे साथ नहीं चलोगे तो हम तुम्हारी बिल्ली कटवा देंगे। ए लपर संदेश, ऐसा हम कब बोला रे? काहे को झूठ बोलता है, हम पे झूठा इल्जाम लगाता है। ठहर जा, अभी बड़े ठाकुर से तुम सबका शिकायत करके तुम सबको ठीक करवाता है, समझो? जाओ बोल दो, जाओ। हाँ जाइते, अभी देख लेंगे, सबका देख लेंगे। अरे खुश रहो, कैसे हो बेटा? बस आपका आशीर्वाद है ठाकुर साहब। बैठो, कब आए? कल ही आया। पढ़ाई पूरी हो गई? जी। बहुत अच्छी बात है, अब गांव की भलाई के बारे में मेरे साथ तुम भी सोचो। जी बिल्कुल ठाकुर साहब, मैं भी गांधी जी के सिद्धांतों के राह पर चलकर कुछ करना चाहता हूँ। वाह बहुत अच्छे विचार है। सरकार सब खत्म हो गई, सब खत्म। क्यों, क्या हुआ चंदन? कहा बताऊं कहा हुआ बड़े ठाकुर, हरिजन के बच्चों ने झूठी मूठी बातें करके चंदन के मुंह में कालिक पोतने में कोनो कमी नहीं की। क्या? आज के बाद कोनो बच्चा बुआई करने नहीं आएगा बस। तो लगता है बड़ों के साथ बच्चों के भी पर निकल आए हैं। हाँ छोटे ठाकुर, और सुनो ठाकुर, अब वो बच्चे बच्चे नहीं रहे। अच्छा? हाँ ठाकुर साहब, किसी तरह पटाके तरह तरह के लालच देकर मैं वो बच्चों को बुआई के लिए ले जा रहा था कि अचानक वो हरिराम की छोरी बीच में आ गई और लगी बाल मजदूरी पे भाषण देने। अरे उसका देखा देखी वो बच्चे भी हम पर लालचा लगाने लगे। फिर क्या हुआ? अरे बात बिगड़ गई ठाकुर साहब। उन बच्चों को उसने क्या काम मालूम कि आज से ये बच्चे बाल मजदूरी नहीं करेंगे, ये कानूनी अपराध भी और सरकार भी इसके खिलाफ। चंदन भैया ये कानूनी अपराध ही है, और उस छोरी ने तो कोई गलत बात नहीं की। अच्छा अब हर तरीके के कानून कायदे तुम और वो छोरी सिखाएगी हमें? सोलह आने ठीक कहा छोटे ठाकुर आपने। शराफत का तो अब जमाना ही नहीं रहा। ताश्री ये सब आपकी शराफत और रहम दिल का नतीजा है, वरना गांव में किसी की क्या मजाल जो हमारी तरफ आंख उठाकर भी देख सके। बेटा जमाना बदल गया है और हमें भी जमाने के साथ बदलना होगा। नहीं पिताश्री, दुनिया आज भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये गांव के अनपढ़ गवार हमारी बराबरी करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। अगर आन बान और शान से जीना है ना, तो ये रहमदिली और शराफत का चोला उतार फेंकिए, वरना कहीं ऐसा ना हो ये चोला हमारे लिए कफन बन जाए।
नहीं पिताश्री, दुनिया आज भी झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। ये गांव के अनपढ़ गवार हमारी बराबरी करेंगे, ये कभी नहीं हो सकता। अगर आन बान और शान से जीना है ना, तो ये रहमदिली और शराफत का चोला उतार फेंकिए, वरना कहीं ऐसा ना हो ये चोला हमारे लिए कफन बन जाए। क्या हमारे आजाद भारत का और बापू गांधी का यही लक्ष्य था, यही सपना था? क्या ये ऊंच नीच की खाई कभी भरी नहीं जा सकेगी? क्या अमीरों का खून खून है और गरीबों का खून पानी? नहीं, सबको जीने का बराबरी का हक मिलना चाहिए। हमारे क्रांतिकारी बहादुर वीरों का, क्रांतिकारी नेताओं का भारत का सपना ऐसा नहीं था। हमें मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू और बापू गांधी के सपनों को साकार करना होगा। तुझे अपनी मरी हुई माँ की कसम है, अगर तूने ठाकुर साहब के खिलाफ कुछ कहा ना तो, अरे ये ठाकुर लोग है ना, इनसे बात करना तो दूर की बात है, इनके सामने सर उठाकर देखना भी इनकी शान के खिलाफ है। फिर है कौन हमारी जिंदगी में, है कौन, है कौन है? अरे एक तू ही तो हम रसहरा, अगर तुझे कुछ हो गया ना तो हम क्या करेंगे तेरे बिना, हम मर जाएंगे। ये ले, जल्दी जल्दी काम कर ले। पाए लागे ठाकुर साहब। हरी राम, ये हाथी के दांत दिखाने वाली बात मत कर, समझा तू? जिस काम के लिए आया है बोल। ठाकुर साहब, मैं अपनी बच्ची की हुई भूल की माफी मांगने आया हूँ। ठाकुर साहब आप तो हमारे अन्नदाता हैं, आप लोगन तो हमारे मसीहा हैं। ये सब तो अब कहने और सुनने वाली बातें रह गई हरिराम। काहे कि अब तो सरकार भी तुम्हारा साथ देने लगी है, इसलिए तुम लोगों के पर निकल गए हैं। दिन ब दिन तुम लोगों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। पहले हमारे सामने सर उठाना तो दूर की बात, अब हमसे जुबान लड़ाने लगे हो, हमारी बराबरी करने लगे हो। अपनी नासमझ और पगली बेटी को समझा ले कि वो हमारे समाज के नियमों का पालन करे, वरना हम उसे ऐसा दंड देंगे कि उसकी आत्मा कांप उठेगी। ठाकुर साहब, हमारी बेटिया ने जो कुछ कहा है वो सरकार और हमारी बरादरी का किया हुआ फैसला है, ना कि हमारा। इसका मतलब यह हुआ कि सभी के दिलों में बगावत की आग पैदा हो गई है। नहीं ठाकुर साहब, अगर हम अपनी बरादरी के साथ नहीं रहे तो वो हमें अपनी बरादरी से निकाल देंगे। ठाकुर साहब जाओ, जैसा बोगे वैसा काटोगे तुम। ठीक है, ठीक है। ए ज्योति, कहाँ जा रही हो? सरकारी दवा खाने, बापू की दवाई लेने। अरे मेरे दिल की दवा कब करेगी? छोड़ो मेरा रास्ता। एक बार मेरे रास्ते पे आ जा ज्योति, फिर कभी तेरा रास्ता नहीं रोकूंगा। ठाकुर साहब, शर्मा नीचे आपको ऐसी घटिया बात करते हुए। ठाकुर तो मैं दुनिया वालों के लिए हूँ, मगर तेरा तो मैं दीवाना हूँ, दीवाना। ठाकुर साहब, अब आप गरीब की सीमा रेखा से बाहर जा रहे हैं। छोड़ो। एक बार हाँ कह दे ज्योति। मैं पागल हूँ, पागल ज्योति। अरे अरे अरे, ये क्या शक्ति बाबू? ये हम दोनों का आपसी मामला है, तू अपना रास्ता नाप। अरे वाह, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। सुन लिया ना जवाब? अबे चल बे चमचे। शक्ति, अब तुम अपनी मर्यादा से बाहर जा रहे हो। ओ अच्छा, तो अब ताली दोनों हाथों से बजने लगी है। देखना, तुम दोनों का एक दिन ऐसा बैंड बजाऊंगा के देख लेंगे। लगता है अब सुल्तान चाचा का सहारा लेना ही पड़ेगा। अल्लाह बड़ा बादशाह, कौन है तू शैतान की औलाद?
मैं इसका दीवाना हूँ। दीवाना? हाँ, शमशान के पास से जब ये शाम को यहाँ से गुजर रही थी तो मेरा इसमें दिल आ गया। ये तेरे लायक नहीं है, इसकी शादी होने वाली है। इसकी शादी नहीं हो सकती, ये मेरी है। याला बाला युवा हीली लिपा मुझे और मत जला, मेरे बदन में छाले पड़ रहे हैं। हे भगवान, गांव में क्या हालचाल चल रहे हैं? आजकल की बढ़ती महंगाई में गरीब का क्या हालचाल होते ठकराइन? हालचाल तो बड़े लोगन के होते हैं। अरे ना कमला, अब वो बात कहाँ रही? अब तो सरकार भी छोटे लोगों को बहुत सहूलियत दे रही है। गरीब बेचारे का तो वही हाल है, रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। हाँ कमला, ये बात भी सही है। आजकल तो अपनी औलाद ही कहना नहीं मानते, फिर दूसरों को क्या दोष दे। अरे बसंती, क्या बात है, मेरे होते किसकी हिम्मत। सर अंदर तो आना। अभी आई छोटे ठाकुर। जल्दी छोटे ठाकुर। आओ बसंती, आओ बैठो। बसंती, ये देख बसंती, मैंने ये अंगूठी कितने दिनों से संभाल के रखी हुई थी। सच? सच। आज अच्छा मौका है आपसी दो दिलों के मिलने का। नहीं छोटे ठाकुर, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप ठहरे बड़ी जात बिरादरी वाले और हम छोटी जात वाले। खबरदार, कभी ऐसी बात करी तो। छोटी जात बिरादरी कुछ नहीं, आज इसकी बराबरी मैं कर देता हूँ। आज ये अंगूठी हमारे प्यार की निशानी होगी बसंती। नहीं छोटे ठाकुर, छोड़िए छोटे ठाकुर। नहीं छोटे ठाकुर, ये ठीक नहीं। छोटे ठाकुर, जाने दीजिए हमें, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। छोटे ठाकुर, छोड़िए हमें, जाने दीजिए। नहीं छोटे ठाकुर, नहीं। प्यारी बहना, क्यों इन आंखों से मोती गिरा रही हैं? अरे आप जब भी याद करती हैं, चाहे वो कोई त्योहार हो, दिन हो, रात हो, मैं बिन डोर की पतंग की तरह खिंचा चला आता हूँ। लेकिन एक बहन के लिए इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकता है कि हम सबके सामने तुम्हें राखी भी नहीं बांध सकते। ये सब तो अपने अपने कर्मों का खेल है बहना। हमारे घर वालों ने जो ऊंच नीच की लक्ष्मण रेखा खींच रखी है, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती तब तक। मुन्ना, वो तो है ही ऐसे, पर का तुम अपनी बहन की खातिर अपनी जिद नहीं छोड़ सकते हो? जो उसे दुसूलों की जंग बन जाए, वो सिर्फ इंसाफ पर ही खत्म होती है। मुन्ना, बस छोड़िए ना, ये वाद विवाद कभी खत्म नहीं होने वाला। ये लीजिए, आपके मुन्ना की तरफ से रक्षाबंधन की एक छोटी सी भेंट। बहना, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहन सदा खुशहाल रहे। बाबूजी, मैं गांव में स्कूल खोलकर गरीब मजबूर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देना चाहता हूँ। विचार तो बहुत अच्छा है बेटा, लेकिन इसके लिए हमें ठाकुर शमशेर सिंह से बात करनी होगी। वो क्यों? क्योंकि वो इस गांव के कर्ता धर्ता हैं और यहाँ उन्हीं का हुक्म चलता है। इसका मतलब आजादी के बाद भी आज हम गुलाम हैं? कुछ हद तक सच कह रहे हो और कुछ हद तक गलत। इसका मतलब आपके विचार, आपकी शिक्षा, भाईचारे के ज्ञान सिर्फ एक दिखावा है? नहीं, ऐसा तो नहीं,
मगर पानी में रहते हुए मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, समझे? तुम जानबूझ के तूफान में दिया जलाने की कोशिश कर रहे हो। ये सेवा नहीं, दुश्मनी का बीज है। ये गांव है गांव, शहर नहीं। शहर की विद्या को वहीं रहने दो। गांव में तुम्हें गांव के रीति रिवाज के मुताबिक ही जीना होगा। नहीं, लकीर के फकीर की कहावत को बदलना होगा। अपने अनपढ़ गवार भाइयों के दिलों में एक नई जागृति पैदा करनी होगी। उनके गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना होगा। अरे ये सपनों में जीना बंद करो, ये बकवास बंद करो। ये सब जो तुम्हारा जवानी का जोश है ना, पुस्तकों की बातें हैं। इन्हें पुस्तकों में ही रहने दो, पुस्तकों में ही ठीक है ये। मुझे दौड़ में मिले मेडल बेचने से आगे कईयों को दौड़ने का मौका मिलता है, तो इससे अच्छा सुनहरा मौका और क्या हो सकता है। भारत माता की जय। अरे का बतावा ठाकुर साहब, अमरवा वो काम कर दिखाया जो आज तक गांव में कोनो नहीं कर पाया। अरे अरे गांव का सारा मजदूर लिख पड़ गया, तो ससुरा हमरा मजदूरी कौन करेगा बे? अरे हमका तो लागत है कि वो पुजारी का बेटा मंदिर का रुपया चुरा के, समझ रहे हो ना? मेरे दिमाग में भी शक की सुई घूम रही है बेटा। हमें भी संदेह सा पैदा होने लगा है। संदेह नहीं, सच्चाई है पिताश्री। हमें ढाल बनाकर अंदर ही अंदर दोनों बाप बेटा उनका मसीहा बन रहे हैं। शेर की खाल पहनकर गिधर शेर नहीं बन जाता। हाँ। ए चंदन, बोला ठाकुर साहब, अभी जाकर पुजारी को बुला के ले आ। अरे अभी चलो। तुम्हारी इस घटिया हरकत ने हमारे रास्ते में कांटे बिखेर दिए हैं। ठाकुर साहब को हम पे शक हो गया है और तुम्हारी ये हरकत को ठाकुर साहब हमारी मिली भगत समझते हैं। तुम्हें क्या जरूरत थी ऐसा करने की? गांव में और भी तो पढ़े लिखे लड़के हैं, एक तुम ही समझदार हो, गरीबों के दाता बनने चले हो। अरे जब ठाकुर साहब ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो तुम्हें क्या जरूरत थी स्कूल खोलने की? शहर जाके चार पांच पुस्तकें क्या पढ़ ली? अपने आप को नेता समझते हो? जिस दर्जे पे आज आप है ना, वहाँ तो सब बराबर है। यहीं पे आपकी शास्त्र आपकी विद्या कहती है ना, कर भला तो हो भला। इंसानियत ही सबसे बड़ी सेवा है और एकता ही हमारा धर्म है। हम सब एक ही परमात्मा के देन हैं। बस जबान चलने लगी है तेरी। इसका मतलब तो साफ है, आपकी पूजा आपकी प्रार्थना सिर्फ एक दिखावा है। भगवान के नाम पे दिए जाने वाले वो उपदेश जो आप लोगों को देते हो वो सिर्फ भाषण है। और मैं नफरत करता हूँ ऐसे कहने वाले लोगों से जो अपने संस्कारों का ढोंग करते हैं। सुल्तान चाचा, ये गदा कहां से आ टपका? आओ छोटे ठाकुर, आओ तशरीफ रखो। आज इस गरीब को कैसे याद कर लिया? चाचा आपको गरीब से अमीर बनाने आया हूँ। अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह मेहरबान तो गदा पहलवान। एक बात बताओ, तुम मुझे अमीर बनाओगे कैसे? चाचा ज्योति के साथ मेरा टाका फिट कर दो, मुंह मांगा दाम मिलेगा, वरना देखते हो। अल्लाह बड़ा बादशाह है, छोटे ठाकुर इस नली को जरा दूर रखो। चाचा ये नली नहीं पिस्तौल है, पिस्तौल। छोटे ठाकुर तुम तो मेरी औकात जानते ही हो, मैं कोई बड़ा बाबा नहीं, मैं तो एक तीर तुका बाबा हूँ। जो भी हो तुम्हें मेरा ये काम करना ही पड़ेगा, वरना बोली अंदर और भेजा बाहर। नहीं छोटे ठाकुर, अल्लाह बड़ा बादशाह है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। और हाँ, ये राज की बात राज ही रहनी चाहिए, वरना। समझ गया ठाकुर, चलता हूँ। अच्छी तरह से समझ गया। हे परवरदिगार, कर दे बेड़ा पार।
नहीं तो ये कर देगा मेरा पंटादार। अरे क्षमा बेटी। बोलो अब्बा। अरे तुम्हें कुछ याद है ना, आज तुमने ठाकुर भानु प्रताप की सालगिरह पर जाना है। हाँ अब्बा याद है। आपने आने में बहुत देर कर दी। अरे भाई तुम्हें तो पता है कि गांव के सारे जिम्मेदारियां भी हमारे ऊपर है, वो भी देखना पड़ता है। हाँ अच्छा ठीक है ठाकुर साहब, अच्छा आप चलिए। और शराब और शबाब आपका दोनों बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आहिस्ता बोल। हाँ क्षमा परवाने के लिए बेचैन है। अरे भाई तोहफा लो तोहफा। आई 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 क्षमा। ए क्षमा क्षमा क्या रे। अरे अरे ये क्या है, आज सूरज कहाँ से उल्टी दिशा से निकल आया। ये सवेरे सवेरे कहाँ से शराब पी कर आ गया। शराब नहीं पिया रे फुलझड़ी, वो जो रात को जो चढ़ाया था वही नशा ने उतरा। क्या बकवास कर रहा है। हाँ अच्छा बकवास मतलब मेरी हर बात तुमको बकवास लग रही है। एक बात बता, वो तू ठाकुर क्या ये क्या कर रही थी। शादी की बात है। शादी की बात मतलब मेरी बर्बादी। ठीक है तू कर ले शादी, तू शादी कर ले, तेरी उधर डोली उठेगी इधर मेरा जनाजा उठेगा। अरे इधर आ मेरे राजा सपनों के सौदागर। हाँ? भला क्षमा कभी परवाने से अलग रह सकती है। तो सुन मेरी साधना और सुन मेरी आराधना, अगर तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में शादी करने की भी सोची तो कसम ऊपर वाले की और कसम पैदा करने वाले की, भूतों का सरदार बनके उसके पूरे कुनबे को जलाकर खाक कर दूंगा। वाह वाह वाह, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। क्यों बे यतीम, तू मेरे घर में आकर ऐसी जली कटी बातें करता है। अबे ऐसा मंत्र भूकूंगा कि तू हमेशा के लिए पिंजरे में तोते की तरह कैद हो जाएगा। अरे चुप, क्षमा मेरी है और उस पर सिर्फ मेरा हक है। अबे अपनी जबान को लगाम दे वरना पुराना सब हिसाब किताब सूद के साथ वसूल लूंगा समझे। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे तुम। दो चार झाड़ फूंक के मंत्र क्या जान गए, खुद को बहुत बड़ा तांत्रिक समझते हो तुम। मैं तुमसे कम हूँ। हाँ? अरे जाने देना कर। अरे क्या जाने दू, जाने दू क्यों, क्या कर लोगे तुम, क्या कर लोगे तुम। चला अरे गया। जाने दे मेरे शहंशाह, हम बने तुम बने एक दूजे के लिए। हाय हाय। अच्छा बच्चों अब यहाँ से अ से लेके अंगा तक तो समझ गए हो। अब मेरे साथ साथ बोलो, क से कमल, क से कमल, ख से खरगोश, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से गमला। अच्छा बच्चों अब मेरे साथ पहाड़ा पढ़ो, दो एकम दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तियान छः, दो चौको आठ, दो चौको आठ। अच्छा बच्चों ये बताओ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी का पूरा नाम क्या था। अब ये बताओ कि बापू गांधी जी का पूरा नाम क्या था। मोहनदास करमचंद गांधी। चल बे हरिया, चल बे जग्गो, चल जल्दी कर। पीछे हटो। मजदूर भाइयों, महंगाई को ध्यान में रखते हुए हमने ये फैसला लिया है, इस अनाज एक कुंतल अनाज के बदले दो कुंतल अनाज आप लोगों से लिया जाएगा। सरकार ये क्या, ये तो सरासर अन्याय है। ये न अन्याय है और न ही जुर्म, हर चीज का दाम बढ़ गया है, बिजली का रेट बढ़ गया है, बीज के दाम बढ़ गए हैं, हर चीज दोगुनी हो गई है और ये सरकार ने बढ़ाया है, हमने नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा ना करो सरकार, हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। अपना सारा अनाज आपको दे देंगे तो हम अगली फसल तक खाएंगे क्या। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, हर हाल में आप लोगों को अनाज देना होगा बस। नहीं सरकार नहीं, कोई रियायत नहीं, देना ही होगा, समझा दो इन लोगों को अच्छे से। चलो निकलो यहाँ से।
छोटे ठाकुर, देखा कमीनों का कमीनापन। छोटे लोगों को सर पे बैठाने का यही नतीजा होता है। हम कितना मना किए कैसे छोटे लोग को मुंह मत लगाओ, लेकिन आप हमारी बात नहीं ना माने। अरे बोल ना लप्पू का हुआ बोल। छोटे ठाकुर वो कहते हैं कि हम उनकी बुआई नहीं करेंगे। कहे? उनका कहना है कि ठाकुर साहब इस बार हम लोगों के साथ बेइंसाफी किए हैं, इसीलिए हम उनका काम कभी नहीं करेंगे। देखा वही हुआ ना जो हम बोलते रहे, हुआ कि नहीं छोटे ठाकुर बोला। बिल्कुल, अब इन्हें सीधा रखने के लिए कोई ना कोई शतरंज की चाल चलनी पड़ेगी। छोटे ठाकुर आपने हमें बुलाया? हाँ बुलाया। हरिराम अपनी जात बिरादरी वालों को समझा दे, अगर इस गांव में रहना है ना तो हमारा हर हुक्म मानना पड़ेगा, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा, समझे? ठाकुर साहब हम सबके साथ इस बार अन्याय किया है। हमारे गर्दन पर भी तलवार रखी गई। हाँ, हम मरना मंजूर करेंगे पर ठाकुर के पास काम नहीं करेंगे। हाँ, रोज घूर कर जीने से मरना अच्छा है। हम गांव छोड़कर चले जाएंगे, शहर जाएंगे, भीख मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे पर ठाकुर के पास काम नहीं करेंगे। सुनो, माना के लोहा गर्म है लेकिन अभी चोट करने की जरूरत नहीं है। हेलो सालो, आज जी भर के पार्टी कर लो। पी ले। हाँ, अरे तू भी कर पार्टी, एंजॉय। और जोर से चिल्ला मेरी जान। और हाँ, ये तो छोटी की आवाज लग रही है, इतने नाटक कर रही है। छोटे ठाकुर ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। अच्छा तुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? चिल्ला और जोर से चिल्ला, बुला अपने यार को। अमर बचाओ मुझे। अरे ये क्या कर रहे हो, छोड़ो इसे, छोड़ो। ए दूर हट, क्या कर रहे हो यहाँ से, हट जाओ। अरे छोड़ो मुझे, कोई नहीं बचा पाएगा मुझे। छोड़ो इसे, नहीं। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अबे चल, समझे? नहीं दूंगा। बेटा, इसका तो मैं वो हाल करूंगा कि गांव में नेतागिरी करना भूल जाएगा। नहीं बेटा, अपनों से नहीं लड़ते। नहीं माँ, शुरुआत इसने की और खत्म मैं करूंगा। नहीं ठकुरान माँ, शुरुआत पहले शक्ति बाबू ने की थी। ए तू चुप कर, दो धारी तलवार, समझी?
जाने दे बेटा, जाने दे, जाओ तुम लोग अपना काम करो। चल बेटा मेरे साथ चल, चल चल ना। क्या बात है बेटे, तुम अभी तक सोए नहीं? नहीं पिताश्री, मेरे दिमाग में एक तरकीब आ रही थी। वो क्या बेटे? क्यों ना हम अपने बिरादरी वालों से मिलकर एक मीटिंग करें और उन्हें अपने साथ लेकर अपना एक संघ बनाएं। शाबाश शाबाश बेटे। धन्यवाद। तुम्हारी ये तरकीब मुझे बहुत पसंद। धन्यवाद पिताश्री। तुम कल ही मीटिंग का बंदोबस्त करो। बिल्कुल। ठीक है, जाओ जाकर सो जाओ। हाँ, गुड बॉय। ठाकुर साहब, आपकी राय से हम सब लोग सहमत हैं। उनकी मनमानी का कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। अरे भैया, भानु भैया, जब से सरकार का झुकाव इनके तरफ हुआ है ना, ये ससुर के नाती हम सबको झुकाने पर तुले। हाँ। ये सारे फसाद की जड़ वो हरिराम और पुजारी का बेटा अमर है। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा ठाकुर, छोटे ठाकुर ने बिल्कुल ठीक कहा। देखो ये हरिराम के साथे साथे अमर भी संकट चौधरी बनता जा रहा है और सबको पढ़ा लिखा करके हमारे खिलाफ भड़का रहा है। हमें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब ये बताइए कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें एक कमेटी बनानी चाहिए, तो उसके बाद हरिराम और पुजारी के बेटे को सही रास्ते पे हम लाएंगे। हाँ, ऐसा ऐसा ही होना चाहिए। क्यों अमर, लगता है तुम्हें मोहल्ले का पानी रास आ गया है? हाँ, लगता है जिसकी तलाश थी वो पूरी हो गई। किसकी तलाश? ज्योति की। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? और क्या, मान गए दोस्त, प्यार हो तो ऐसा। अब तो तुम सिर्फ छोटी जाति के बन गए हो, अपनी बराबरी वालों से तो तुमने मुंह ही मोड़ लिया है। बनकर अपनी ये बकवास। ए खबरदार, अगर ऊंची आवाज में बात की तो। रहने दीजिए भाइयों। अरे ओ भांड, तू भी अपनी औकात में रह, समझा? चल तू भी इसके साथ जूते साफ कर। ले मेरे, ले साफ कर, चल ले साफ कर मेरे जूते। चल ले मेरे साफ कर जूतों को। तुम लोगों की ऐसी घटिया सोच पे ना मैं छोटा नहीं हो जाऊंगा। ये जूते भी साफ करना ना एक सेवा है। क्या लाए हो छोटे ठाकुर? बोलो क्या पसंद है और मेरे काम का क्या हुआ? अल्लाह बड़ा बादशाह है। क्या बताऊं छोटे ठाकुर, ज्योति ने जो गले में तावीज डाल रखा है ना, वो किसी बहुत बड़े तांत्रिक का लगता है। अच्छा, कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ, अमावस तक मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, फिर देखना 40 दिन के बाद ज्योति वरमाला लेकर आपके आगे पीछे ऊपर नीचे चक्कर लगाएगी। सच? मुझ अल्लाह बड़ा बादशाह है। सोच लो चाचा, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा ही जनाजा उठ जाए। अल्लाह बड़ा बादशाह है, मेरे किए हुए का कोई तोड़ नहीं। ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, वरना बकरी ईद पर तैयार रहना। अल्लाह बड़ा बादशाह है। अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मेरे साथ मंदिर चलना है। क्यों बाबूजी? क्यों, ब्राह्मण का बेटा होके पूछ रहा है क्यों? अरे दुर्गा माँ की नवरात्रि का आज पहला दिन है, मंदिर में कितनी तैयारियां करनी, कितना काम है, चलो मेरे साथ मंदिर। माँ जगदम्बा के सेवकों और भक्तों, ठाकुर साहब और मेरी तरफ से आप सबसे निवेदन है कि माँ का प्रसाद लिए बगैर यहाँ से कोई न जाए। नहीं। क्या हुआ छोटे ठाकुर? ये प्रसाद पहले ऊंचे समाज में बांटा जाएगा, फिर जो बचेगा इन छोटी जाति वालों के लिए।
भगवान के प्रसाद में कोई छोटे बड़े का नाम तो नहीं लिखा है, तो इन गरीब बेचारे लोगों को थोड़ा सा प्रसाद देने में क्या कमी हो जाएगी? क्या हुआ शक्ति बेटा? अरे होने को रहे क्या गया पिताश्री, जब देखो बाप बेटा इन गरीबों के सामने हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अरे कोई बात नहीं है, शांत हो जाओ बेटे, इस तरह की बातें मंदिर में नहीं करते, इसका भी हल निकाल लिया जाएगा, शांत हो जाओ। माता के श्रद्धालुओं आप लोग बाहर आ जाइए, ये आपसी मतभेद का मसला हम आज ही हल कर लेते हैं। ये ऊंच नीच की दीवार को तुम बाप बेटे बढ़ावा क्यों दे रहे हो? अरे ठाकुर साहब, हम तो आपसे पहले ही कहते आ रहे हैं, आप हमारी बात पे यकीन ही नहीं किए, अब तो आ गया ना यकीन? आज मेरा शक यकीन में बदल गया है, तुम दोनों मंदिर का पैसा चुरा कर गरीबों का मसीहा बन रहे हो, और तुम रही सही कसर पूरी कर रहे हो, ज्योति के प्यार के चक्कर में पड़कर गांव की मर्यादा को भूल रहे हो तुम। आज सबसे पहले ये काम करेंगे, इस ढोंगी पुजारी को मंदिर से बाहर निकालेंगे। नहीं ठाकुर साहब नहीं, ये मंदिर मेरी आत्मा है ठाकुर साहब, मुझे यहाँ से मत निकालिए। ए पुजारी, ये मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर, और तू शहर जाकर दो चार किताबें क्या पढ़ ली है? मुझे पढ़ा रहा है, मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। जोश में होश मत खो, अभी तेरे बाप को मंदिर से बाहर निकाला है, और अगर हमसे आगे बढ़ने की कोशिश की तो तुम दोनों को गांव से बाहर निकाल दूंगा, दूर हो जा मेरी नजरों से, हट जाओ, चले जाओ यहाँ से। देख रही हो क्या बीत रही है मुझ पे? वो लोग जो मेरी इतनी इज्जत करते थे, मेरे पैर छूना अपना भाग्य समझते थे, वो मुझसे आज नफरत कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं मुझसे आज वो, सिर्फ तुम्हारे बेटे की वजह से। अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं अमर को लेके यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा हमेशा के लिए, और अगर वो मेरे साथ नहीं आया ना तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। बाबूजी, आप तू चल मेरे साथ। कहाँ? जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ तू चल मेरे साथ। नहीं बाबूजी, मेरी मजबूरी है। मजबूरी है? अपने बाप की न मानने की मजबूरी है तेरी? मैं तुझे कह रहा हूँ मेरे साथ चलने को, और तुझे जाना है ज्योति के यहाँ, शादी करना चाहता है उसके साथ। अरे तू उसके घर पैदा क्यों नहीं हुआ बेवकूफ? मेरे घर क्यों पैदा हुआ? क्यों हम पे इस तरह बोझ बना? तू हमारी जिंदगी में नासूर क्यों बना? जा तू उसी के पास, उसी के घर पैदा होता तो अच्छा होता, तेरे होने से मैं बेऔलाद रहता था ना, तो अच्छा होता। अब तो जा यहां से निकल। बाबूजी, भगवान मैं पूरी तरह हार चुका हूं भगवान। अमर, अमर, अरे तू यहां क्यों लेटा है? बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? समझ गया मेरे दोस्त, नेकी के कामों में अक्सर ऐसा ही होता है। चल उठ। कहां? अरे मेरे घर और कहां, हम सब एक हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं, हम होंगे कामयाब। उठ चल चल। प्रणाम ठाकुर साहब। प्रणाम, आइए बैठिए। ठाकुर साहब आपका धन्यवाद करने आया हूँ। किस बात का? ठाकुर साहब, दहेज की बलि पर चढ़ी मेरी बेटी की रक्षा करके उसको नया जीवन दान दे दिया,
इस बात का एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अरे नहीं नहीं चाचा, बेइंसाफी के खिलाफ जब तक जान है लड़ता रहूंगा, बस आप जैसे बड़े लोगों का आशीर्वाद चाहिए। नहीं नहीं ठाकुर साहब, बड़े तो आप हैं, आसपास के गांव क्या, दूर दूर तक छोटे बड़े लोगों के दिलों में आपकी इंसानियत के चर्चे होते हैं। इंसान की जिंदगी तो पानी का बुलबुला है, इसीलिए कहते हैं कि नेकी कर और फल का इंतजार मत कर। 100% ठीक कहा ठाकुर साहब, आपका सब्र, आपका हृदय दरिया समान है। अच्छा आज्ञा दीजिए। और मेरे लायक कोई सेवा? और कुछ नहीं, प्रणाम ठाकुर साहब। दीदी बचा लो, बहुत दर्द हो रहा है पेट में। आग लगे तेरी ऐसी जवानी को, ये तो तुमने बहुत बड़े धर्म संकट में डाल दिया है मुझे। बचा लो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आखिर यही होगा तुमसे और क्या। दीदी ये ले खा मर, इससे कुछ दिन आराम रहेगा तुझे। मैं मुखिया जी से मिलकर बात करती हूँ। नहीं दीदी, इससे तो अच्छा है कि तू हमें जहर दे देती इस पुड़िया की जगह। बकवास मत कर, हम सब की नाक कटवा दी तूने। बैठ यहाँ तू, मैं आती हूँ। मुखिया जी। अरे कमला आओ बैठो बैठो, कहो कैसे आना हुआ। कहाँ बताएं मुखिया जी, बहुत जुल्म हो गया है। जुल्म? कैसा जुल्म? आओ गरीबों के दाता। अरे छोटे ठाकुर, कहाँ हम दाता वाता हैं, हम तो आपके सेवक हैं। हाँ, लेकिन तेरे हर काम में समाज सेवा भरी है। छोटे ठाकुर साहब, ये तो सब आपकी कृपा है। कहो कैसे आना हुआ, कौन सी मुसीबत आ गई है, किस चक्रव्यूह में फंस गए हो जो इस वक्त मेरे पास। छोटे ठाकुर, बसंती। क्या हुआ बसंती को? वो माँ बनने वाली है। तुम्हें किसने बताया? कमला ने। हरिराम, मेरा और बसंती का आपसी मामला है, तुम कौन होते हो बीच में दलाल बनने वाले? जबान संभाल के बात करो ठाकुर। तुम मुझे धमकाने आए हो? धमकाने नहीं, समझाने आया हूँ। ठाकुर साहब, भलाई इसी में है कि वक्त की नजाकत को समझते हुए अकलमंदी से काम लीजिए। कहा है कि मामला बड़ा गड़बड़ हो गया है, वक्त की नजाकत को समझिए। समझ गया। रात को गांव के बाहर बरगद वाले पेड़ के पास अकेले मिलना, दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। जो हुकुम, नमस्ते। इस कांटे का इलाज अब सिर्फ जहरीली शराब है। अरे राम पियो, एक और बोतल है। ठाकुर साहब अभी अभी बस बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। नहीं नहीं, अभी क्या है कि अभी वो किसी ने पहचान वाले देख लिया ना तो बड़ी बात हो जाएगी बरादरी में, अपने बदनाम हो जाऊंगा मैं। हरि राम, कोई फर्क नहीं पड़ता, अब हम दोनों साथ साथ हैं। मेरा हर कहा मान के तुमने जो मुझे खुशी दी है उसको मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन हरिराम, ये बात हम दोनों के बीच राज ही रहनी चाहिए। राज? लो पियो और पियो पियो। अरे शाबाश पियो। हाँ आज
आधी रात हो गई, बापू अभी तक घर नहीं लौटे। हे भगवान, पता नहीं कहाँ चले गए। दीदी, 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 क्या हुआ? बापू कल रात से अभी तक घर नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ चले गए। हो ना हो, छोटे ठाकुर ने मुखिया को अपने रास्ते का काटा समझकर अपना शिकार बना लिया होगा। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर अगर मुखिया जी की किसी ने हत्या की भी तो क्यों की? बस यही तो हैरानी की बात है। अरे यार, मुखिया जी हर आदमी से प्यार से बात करते थे, शराफत से पेश आते थे, क्या बिगाड़ा था उन्होंने जो उनकी हत्या कर दी लोगों ने? हो ना हो, ये काम किसी बड़ी ऊंची जात वाले का हो। बस करो ये ऊंच नीच की बातें। बिना सबूत किसी को दोषी करार करना गलत बात है। सबूत भी आ जाएगा, बस एक बार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने दो, सबूत भी मिल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुजारी जी, ओ पुजारी जी। प्रणाम। हम तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आए हैं। खुशखबरी? हाँ, बधाई हो, खुशियां मनाओ, आपका सपूत ब्राह्मण। लो लो, इसी बात पर मुंह मीठा कर पुजारी जी, मुंह। यार शक्ति, अब तो हमारे गांव का नाम भी इतिहास के सुनहरे अक्षरों में छप जाएगा। वो कैसे? हाँ, अमर ने ज्योति के लिए वही कर दिखाया जो मजनू ने लैला के लिए किया था, राजे ने हीर के लिए किया था, फरहाद ने शिरीन के लिए किया था। हो रही राम और श्याम की जोड़ी, इन दोनों ने यही घर बना लिया। देख अमर, हम तेरा कितना ख्याल रखते हैं, तूने तो अपनी जात बिरादरी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन हम आज भी नहीं बदले, तेरी हैसियत के बराबरी का रोजगार लेकर आए हैं। रोजगार? हाँ रोजगार, हमारे मोहल्ले के ठाकुर जय सिंह का बैल मर गया है, उसे लेकर जाना है। क्या? हाँ, इसमें हैरानी वाली बात क्या है, अब तो ये तेरा पेशा बन गया है। शक्ति, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ए, ये ठीक और गलत की भाषा मुझे मत सिखा, समझा? जो काम कहा है वो कर। अमर बेटे, पुजारी जी अचानक गुजर गए। क्या? बाबूजी, बाबूजी, ये आपको क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, ये आपका आपको क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, पहले माँ छोड़ के चले गए बाबूजी, अब आप भी मुझे छोड़ के चले गए। मैंने तो कोई इतनी बड़ी भूल तो नहीं की थी। बाबूजी, हे प्रभु, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भैया, ये तो जग की रीत है, आना जाना तो ऊपर वाले के हाथ में है। हाँ, होनी को कोई रोक नहीं सकता है। चलो अब इनका आखिरी क्रियाकर्म तो करना ही पड़ेगा ना। चलो हौसला रखो मेरे भाई, हौसला रखो। आओ भाइयों, कहाँ ले जा रहे हो इसे? अंतिम क्रिया करने। इस गांव में इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। क्यों? रुक जाओ वहीं पे, तेरे साये से भी मुझे नफरत है।
बेटे की तरह बाप भी ढोंगी निकला, इसलिए इसका अंतिम संस्कार यहाँ नहीं होगा और ऊंचे समाज का कोई भी आदमी इसे कंधा नहीं देगा। इसे और कहीं लेकर जाओ। लेके जाओ कहीं और। कितने पास आज दो जिस एक जान हो जाए। ये क्या कर दिया चोटी तुमने? जो एक इज्जतदार लड़की को करना चाहिए। इसने क्या सोचा कि बापू के मर जाने के साथ साथ मेरी इज्जत भी मर गई? औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत ही होती है, और फिर एक ना एक को तो मरना पड़ता ही। तो मैंने खुद को ना मारकर इसको मार दिया, क्योंकि अगर ये जिंदा रहता तो ना जाने कितनी और लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता। अब क्या होगा? ठाकुर साहब मेरी जान ले लेंगे, और क्या होगा? बापू चले गए, मैं भी जीकर क्या करूंगी? नहीं नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। और ठाकुर शमशेर सिंह मुझे जीने नहीं देगा। चलो। कहाँ? मेरे साथ। नहीं, अब मेरी आंखों की शर्म और दिल का डर मर चुका है। नहीं ज्योति, अब ये गांव छोड़कर जाने में ही हमारी भलाई है। ज्यादा सोचो मत ज्योति, या एक एक पल गुजारना मौत के बराबर है। ठाकुर शमशेर सिंह और उनके बिरादरी के सामने सच्चाई और इज्जत की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। उनके अपने कानून और उनका अपना राज है। चल मेरे नहीं, साथ। अमर नहीं। कुछ पता चला दीदी? किस बात का? बसंती ने रात में गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या? हाँ, सुनने में आया है कि बसंती पेट से थी। हे भगवान, क्या कलयुग आ गया है। और दीदी, गांव में पुलिस भी आई है। पुलिस क्यों? शक्ति का किसी ने खून कर दिया है और ज्योति के घर से उसकी लाश मिली है। हाँ? क्या कह रहे हो? हाँ, अमर और ज्योति पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। अच्छा दीदी, मैं पता कर कर आती हूँ। ऊपर वाले, ये क्या क्या अनहोनी सुनने में आ रही है। अब मैं किससे कहूँ कि बसंती के पेट में शक्ति का पाप पड़ रहा था? हरिराम को शक्ति ने मारा या शक्ति को किसने मारा? ज्योति ने या अमर ने? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुन्ना, हमारे खानदान का सूर्य अस्त हो गया है। हरिजन की बेटी ज्योति और इसके प्रेमी ने मिलकर हमरे शक्ति को। लेकिन ये अनहोनी हुई कैसे? हत्या की वजह? हमरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुन्ना। हमरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, पूरा घर काटने को दौड़ता है। हे भगवान, हमरी जान ले लेता। अब तो न दिन को चैन है न रात को, न अब हमरे आगे आत्महत्या के नहीं सिवाय और कोई नहीं। अब तो मेरी कसम, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आज तक आपके भाई ने इंसाफ किया है और इंसाफ का ही साथ दिया है। अगर वो गुनहगार हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। इस इलाके का चप्पा चप्पा मुझे जानता है, वो मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकते।
लगता है यही है वो दोनों। कौन हो तुम लोग? तुम कौन हो? हम ठाकुर के आदमी हैं। ले चलो इनको ठाकुर के पास। चलो बेटा। छोड़ दे उसे, नहीं तो इस लड़की को गोली से उड़ा दूंगा। बांध दो इसे। ठाकुर साहब, तो ये है वो। अच्छा, मेरे भांजे के हत्यारे तुम ही हो। तुमने शेर के मुंह में जानबूझकर हाथ डाला है। मैं तुम्हें वो सजा दूंगा, वो सजा दूंगा कि इस लड़के की भी रूह कांप जाएगी। हा? नहीं ठाकुर साहब, नहीं, ये निर्दोष है। आपके भांजे की हत्या मैंने की है। तुमने? हाँ मैंने। क्यों? वो मेरी इज्जत लूटना चाहता था। क्या? हाँ। तुमने जो कहा वो सच है? शत प्रतिशत सच। अगर इसमें जरा भी झूठ निकला तो जानते हो इसकी सजा क्या होगी? मौत। यही ना, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, अगर आपके दिल में जरा सी भी इंसानियत है तो वो कानून के फैसले की तरह जाग जाएगी। उसके बाद जो भी आप सजा दोगे मुझे मंजूर है। लगता है मेरी तरह तेरे भी अंदर कोई ज्वाला भड़क रही है। बता क्या हुआ? कल ही रात की बात है। तेरी आप बीती सुनकर हमारा इंसाफ डगमगा गया है। और कोई ठोस सबूत? ये हार। ये वही हार है जिसका लालच देकर शक्ति मेरे साथ मुंह काला करना चाहता था। और जहां तक मेरा दिल कहता है, शक्ति ने मुझे पाने के लिए मेरे बापू की भी हत्या कर दी थी। अब शक की कोई गुंजाइश नहीं, अपराधी मेरा भांजा ही था। सारी सच्चाई और सबूत जानने के बाद मुझे तुम दोनों से हमदर्दी है। आज से तुम मेरे अपने हो, पराए नहीं। जो तुम सोच रहे हो वो डर अपने दिल से निकाल दो। अगर तुम्हें मारना होता तो इतनी देर ना करता। अरे विजय साहब का पुजारी है, अगर मेरे साथ रहोगे तो चैन की जिंदगी जी सकोगे। कहीं और जाओगे तो तुम्हारे डर की जिंदगी तुम्हारी नैया कहीं भी डुबो देगी। आज का अंधा कानून और पुलिस तुम्हें जीने नहीं देगी। बाकी का फैसला मैं तुम दोनों पर छोड़ता हूं। कल सुबह तक हाना का जवाब बेखौफ होकर बता देना। शेरो जी, ठाकुर साहब, इन दोनों को छोड़ दो और अपनों की तरह स्वागत करो। जो हुकुम। नमस्कार ठाकुर साहब। हाँ नमस्ते, क्या खबर लाए हो? ठाकुर साहब, 48 घंटे की खोज और छानबीन से पता चलता है कि या तो उन दोनों ने आत्महत्या कर ली होगी या फिर किसी गिरोह के हाथ लग गए होंगे। अब वो गिरोह कौन सा है ये हम पता कर रहे हैं। आप धीरज रखिए ठाकुर साहब, हमें जैसे ही पता चलता है
हम आपको खबर करेंगे। हाँ खबर करो, धीरज नहीं रखेंगे हम। ठीक है ठाकुर साहब, जाओ। नमस्ते। अरे उन्हें ये हार तुमको कहाँ से मिला? ये वही हार है जो तुमने हमें राखी पे दिया था। हाँ हाँ ये वही हार है। शक्ति सिंह ने इसी हार का लालच देकर ज्योति के साथ मुंह काला करना चाहा। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हरिराम का भी खून शक्ति सिंह ने ही किया है। खैर भगवान ने उसकी करने की सजा उसे दे दी है। ऐसी औलाद किसी की ना हो। सुनो, विजय तो शक्ति का सगा मामा है। यहां हमारी जान खतरे से खाली नहीं है। इसमें इसकी कोई ना कोई तो चाल है, नहीं तो ये हमारे पे इतनी मेहरबानी और हमदर्दी क्यों कर रहा है? हमें मौका पाकर ही यहां से भाग जाना चाहिए। ऐसी बेवकूफी भरी बातें सोचो मत। नहीं ठाकुर साहब, सच पूछो तो हमें आपकी इस रेमदिली पर शक आ रहा है, यही ना? हाँ ठाकुर साहब, जब आपको पता चल ही गया कि हम ही लोग आपके भांजे के हत्यारे हैं, तो आप हम पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे हैं? सच्चाई जानना चाहते हो? हाँ। तो सुनो, मैंने भी तुम्हारी तरह एक लड़की बिंदिया से प्यार किया था, लेकिन मेरे ठाकुर चाचा इस बात के बहुत बड़े विरोधी थे। नालायक, बेवकूफ, एक लड़की के प्यार में इतना अंधा मत बन। ठाकुर शमशेर सिंह ने अपने रिश्ते में दिए तेरी शादी के वचन का क्या होगा? जब उसको पता चलेगा तो खून की नदियां बहा देगा। उसको मैं क्या जवाब दूंगा? बोल, आखिर क्यों? ठाकुर खानदान का नाम मिट्टी में मिलाने पर तुला हुआ है। ये प्यार, ये रिश्ता हमेशा बराबरी वालों से ही किया जाता है, समझे? ये किस डिक्शनरी या ग्रंथ में लिखा है चाचा? प्यार जात पात ऊंच नीच कुछ नहीं देखता। प्यार तो दो दिलों का बंधन है, एक बार बंध जाता है तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। आज जमाना बदल गया है चाचा, पर आप लोग नहीं बदले। आज भी आप लोग जात पात ऊंच नीच की ढहती दीवारों का सहारा लेकर अपनी झूठी शान शौकत के लिए किसी छोटे को आगे नहीं बढ़ने देते। जो लड़की इस ठाकुर खानदान में दासी कहलाने के लायक नहीं, उसे तुम इस ठाकुर खानदान की बहू बनाना चाहते हो। शायद तुम इस कुल की मान और मर्यादा को भूल रहे हो। नहीं चाचा, एकता ही धर्म है, मानवता ही कर्म है। तो इसका मतलब तुम अपने फैसले पर अटल हो? बिल्कुल। और आप मुझे बचपन से देखते आए हैं कि मैंने हमेशा इंसानियत और भलाई का साथ दिया है। अगर आप लोगों की जिद का कारण मेरा विरोध है, तो मुझे आप लोगों के बनाए हुए कानून, मुझे आप लोगों की अपनी बनाई अदालत का फैसला मंजूर नहीं। अब मैं शादी सिर्फ और सिर्फ बिंदिया से ही करूंगा, समझे आप? प्राण जाए पर वचन न जाए। हेलो ठाकुर शमशेर। हाँ बोलिए चाचा ठाकुर। अब तो पानी सर से ऊपर चढ़ गया है। अच्छा तो ये बात है, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? अरे आप उस कली को ही मसल डालिए जिस पर वो भावरे की तरह मंडरा रहा है। मेरे लिए क्यों आप अपने खानदान से दुश्मनी मोल ले रहे हैं? हम इस जन्म में ना सही, अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। अभी तो मैं आपके पैर की छुट्टी के बराबर। फिर वही बात। नहीं बिंदिया नहीं, ये जात पात ऊंच नीच ये इंसान के बनाए हुए हैं, किसी भगवान देवी देवताओं के नहीं। मेरे आदर्श, मेरे ख्याल आपसी एकता के हैं। ये तो आप सोचते समझते हो ना, मगर आपके घर वाले तो नहीं। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, अब हम दोनों मिलकर आपसी एकता की मशाल जलाएंगे। सच? सच बिंदिया, बहुत जल्द मेरे नाम की बिंदिया तुम्हारे इस माथे पर चमकेगी। अच्छा बिंदिया, समय ज्यादा हो गया है, कल हम लोग इसी जगह पर मिलकर अपने ब्याह का दिन पक्का करेंगे।
ठाकुर देखो देखो, तुम ही मेरी बेटी के हत्यारे हो। ठाकुर तुम ही मेरी बेटी के हत्यारे हो। मैं तुम्हें पहले ही मना करता था ठाकुर, असंभव को संभव करने की कोशिश मत करना, मगर तुम नहीं माने ठाकुर। बेटी ठाकुर, मेरी बेटी को वापस ला दो, मेरी बेटी को वापस ला दो ठाकुर, मेरी बेटी को वापस ला दो ठाकुर। चाचा, ठाकुर चाचा, कहाँ हो तुम? ठाकुर चाचा, ठाकुर चाचा, बिंदिया की हत्या किसने की? हम क्या जाने, हम तुम्हारी तरह से छोटी जात के लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन आप मेरे और बिंदिया के प्यार में दिलचस्पी रखते थे, आप मेरे और बिंदिया के प्यार के दुश्मन थे, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपने यह बेचारे परी बिंदिया की हत्या की गई है। बेबुनियादी जुबान को लगाम दे, वरना इस झूठ का अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम तो आपने कर दिखाया, अब आपके दिखावे से क्या फायदा? होश में रहकर बात कर विजय, मत लगा ये झूठा इल्जाम। नहीं, ये सच है, आप ही बिंदिया के हत्यारे हैं, आप ही खूनी हैं, आप ही ने बिंदिया की हत्या की है। विजय, नहीं चाचा, नहीं अरे खून, अरे खून कर दिया। मैंने खून नहीं किया। ठाकुर नहीं, मैं ठाकुर चाचा का खून कर दिया। नहीं, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। मैं खूनी नहीं हूँ, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। क्या? मैं अभी पुलिस स्टेशन फोन करता हूँ। नहीं जीजाजी, नहीं जीजाजी, मैंने चाचा की हत्या नहीं की, मैं निर्दोष हूँ जीजाजी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए जीजाजी। इसका फैसला तो कानूनी करेगा। मैं निर्दोष हूँ जीजाजी, मुझे बचा लीजिए, मैंने चाचा की हत्या नहीं की। ये सब कैसे हुआ? मैं निर्दोष हूँ जीजाजी। इस छीना छत्ती में अचानक गोली चल गई और वो गोली चाचा जी को लग गई। इसका मतलब तूने बिंदिया की हत्या का बदला अपने सगे चाचा से ले लिया? नहीं नहीं, ये झूठ है। ऐसा मत कहिए, हमारा भाई खूनी नहीं हो सकता। नहीं नहीं, यही खूनी है। मुझे बचा लीजिए जीजाजी, मैंने मैंने खून नहीं किया जीजाजी। रोकिए ना उसे। खामोश, ये छोटी बात नहीं है, हत्या का मामला है, हत्या का। तेरे भाई ने छोटी से जात की लड़की से शादी करने के लिए अपनों का खून किया है, हत्यारा है ये, हत्यारा। आगे खतरनाक मोड़ आने वाला है, वहां अक्सर एक्सीडेंट होते हैं, वहां चमक रहेगा। पहचाना ठाकुर? विजय तुम? विजय नहीं ठाकुर, हत्यारा, एक खूनी। ये क्या कर रहे हो तुम? ये काल है ठाकुर, अब भविष्य में झूठ और सच का फैसला यही करेगा। उस दिन तो आपने मुझे मुजरिम करार दे दिया था, पुलिस के आ जाने से एक बात अधूरी रह गई थी, वही आज मैं पूरी करने आया हूँ। बिंदिया की हत्या तुम्हारे इशारे पर की गई थी ना? नहीं, ये झूठ है। ये सच है ठाकुर, गुनाह कराने वाला गुनाहगार से ज्यादा दोषी होता है, और बिंदिया को खत्म करने की सलाह तुमने ही दी थी, और तुम्हारी ये खामोशी बिंदिया की मौत की गवाही है। चलो। मुन्ना, ये क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं बहना, हट जाओ मेरे रास्ते से। मुन्ना, तू हमारे सुहाग को मिटाने चला है? मैं इनके गुनाहों की भीख मांगती हूँ तुझसे। नहीं बहना, ये नहीं हो सकता। म-
मुन्ना, तुझे अपनी बहन की कसम, अपने माँ की दूध की कसम, हमारी उस राखी की कसम जो हम तुम्हारी इस कलाई पर बांधते थे मुन्ना। देखा ठाकुर, हमारे खून में इंसानियत, हमदर्दी और दया है, तुम्हारे खून में झूठ, फरेब और अहंकार है। ठाकुर, ये शतरंज की चालें खेलना बंद कर दो, नहीं तो गोरख धंधा एक दिन बहुत महंगा पड़ेगा। मामा जी, आप मर गया वो मामा, आज से रिश्ते नाते सब खत्म। बस उस दिन के बाद इंसाफ के लिए आवाज बुलंद होती गई और आज तक मंद नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि जो मुझे नहीं मिला वो सब कुछ तुम्हें मिले, जो न्याय ऊंचे समाज वालों से तुम्हें नहीं मिला वो मैं तुम्हें दूंगा। ये डर अपने दिल से निकाल दो कि शक्ति का मामा हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ अन्याय करूंगा। नहीं, तुम्हारी खुशियां ही मेरी खुशियां हैं। तुम दोनों चाहो तो मेरी एक और खुशी में चार चांद लगा सकते हो। वो क्या? तुम दोनों शादी कर लो। तुम दोनों की जिंदगी की अभी शुरुआत ही हुई है, बाकी का सफर अभी बहुत लंबा है। बड़े भाई होने के नाते तुम दोनों को मेरी बात माननी ही होगी। अरे नहीं नहीं, अरे कमला बता, ये बसंती ने आत्महत्या क्यों की? ठाकुराइन, पुराने जख्मों को ना ही कुरेदे तो अच्छा है। भाई जब भी हम बसंती की बात करते हैं, पूछते हैं उसके बारे में, तो तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती हो, कारण का है? ठाकुराइन, सच्चाई जानकर आपके पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। ऐसी क्या बात है कमला, अब तो तुम्हें इसी वक्त बताना पड़ेगा। ठकराइन, सुन पाएंगी आप? काहे नहीं, बसंती ने आत्महत्या शक्ति बाबू के कारण की। कहा? हाँ, कहीं के छोटे ठाकुर का पाप बसंती के पेट में पल रहा था। नहीं कमला, नहीं, कह दे कि ये झूठ है। यह सच है ठकराइन, और इसीलिए शक्ति बाबू ने हरिराम को भी मार दिया था। कमला, तुम्हें हमारी सौगंध, हमारे सुहाग की सौगंध, हमारी मरी हुई औलाद की सौगंध, ये बात किसी और से मत कहना। ये राज हमरे और तुमरे बीच ही रहना चाहिए। इंस्पेक्टर, लगभग 2-3 महीने हो गए, अभी तक हमारे बेटे के कातिलों का सुराग नहीं मिला। ये आग बिचौली का खेल तुम कब तक खेलते रहोगे? कानून नाम का शब्द तुम्हारे डिक्शनरी में है कि नहीं? ठाकुर साहब, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। कान खोल कर सुन ले इंस्पेक्टर, तुमसे पहले भी 2 अफसरों का तबादला हमने करा दिया है। अगर जल्द से जल्द हमारे बेटे के कातिलों का पता नहीं चला तो तुम्हारे इस थाने को जला के राख करवा दूंगा मैं। आप कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसे हो सकता है? कुछ और दिनों की मोहलत दीजिए, जरूर कुछ न कुछ नतीजा सामने आएगा। अब आगे तुम्हारा क्या हश्र होगा ये बता दिया है, जा सकते हो तुम यहाँ से। हौसला रखो ठकुराइन, होनी को कोई टाल नहीं सकता, शायर शक्ति के साथ इतने ही संबंध थे। जवान बेटे की मौत के बाद ये घर घर नहीं, कैद खाना लगता है।
जो कुछ भी तुम्हारे पास है सब मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को मौत के घाट उतार दूंगा। भाई हमारे पास तो हम दोनों की जान के अलावा कुछ नहीं है, अगर वो चाहिए तो ले लीजिए। हाँ। लगते तो नहीं हो? अब नहीं लगते तो गोली मार दीजिए। अरे अमर, करीम भैया, मेरे भाई तुम मिल गए। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है तुम सलामत हो। अरे हम दोनों तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे भाई। ज्योति कहाँ है? हाँ ज्योति कहाँ है? विजय भैया के अड्डे पर हैं। अरे ला हौल विला कुव्वत, अरे कहाँ मौत के मुंह में रह रहे हो? तुमको पता है वो ठाकुर विजय सिंह कौन है? शक्ति का मामा। उसके बावजूद तुम वहाँ रह रहे हो? हाँ वो इंसान नहीं, वो देवता है। क्या? हाँ जब मैं और ज्योति शक्ति की हत्या के बाद भागे भागे सिर छिपाने के लिए भटक रहे थे, तब अचानक विजय भैया मिल गए। उनको हमारे पे शक हुआ लेकिन हमने भी उन्हें सब सच सच बता दिया। तब उस दिन से अब तक हम दोनों उन्हें भगवान मानते हैं, हम दोनों उनकी पूजा करते हैं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, इसका मतलब है कि इस कलयुग में भी ऊपर वाला सच्चाई के साथ देता है। मगर आप दोनों को हमारी कसम ये राज किसी को बताना नहीं। वाकई ठाकुर विजय इंसान नहीं फरिश्ता है, फरिश्ता। अल्लाह ताला उनकी उम्र दराज करे। पहले ये बताओ कि तुम जा कहाँ रहे थे? ज्योति की दवा लेने। क्यों? है? अरे वो क्या है ना, ज्योति माँ बनने वाली है। अरे? लेकिन ये बात किसी को बताना नहीं, नहीं। अरे अरे बिल्कुल नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो तुम भी। क्या सच ज्योति माँ बनने वाली है? हाँ देखा दीदी, दोनों बड़े खानदानों में कितना फर्क है। एक तरफ इंसानियत है तो दूसरी तरफ हैवानियत है। ठाकुर विजय अमर और ज्योति की अपने सगों से भी बढ़कर रक्षा कर रहा है। मगर कसम है दीदी तुम्हें, ये राज किसी को बताना नहीं। नहीं नहीं। अच्छा दीदी तो मैं चलती हूँ। हाँ शक्ति बेटा, ये तुमने क्या किया? हमसे एक बार कहा होता हम ज्योति जैसी दस तुम्हारे आगे लाके खड़ा कर देते। हे भगवान, हमसे किस जन्म का बदला लिया जो हमको इतनी बड़ी सजा दी। बस करो ठकराइन, रोने धोने से अब तक कोई वापस आया है क्या? ना कमला, एक माँ के लिए इससे इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि उसका जवान बेटा मर जाए। भगवान हमारी जान ले लेते। मतलब हमरा अपना खून सपेरा बन के नाग और नागिन को पाल रहा है? हाँ, तुम्हारे भाई ने खुलकर हमसे दुश्मनी का बदला लिया है। तुम क्या समझती हो हम कुछ जानते नहीं है, हमें कुछ पता नहीं है, हैं? और तो और मुझे यह भी पता चल चुका है कि ज्योति माँ बनने वाली है। अब तुम देखना दुश्मनी का बदला हम दुश्मनी से लेंगे, छोड़ेंगे नहीं किसी को। हे भगवान हमारी लाज रखना, कल को कुछ और अनर्थ हो गया तो हमारी तो दोनों तरफ हार है। थोड़ी देर बेटी, थोड़ी देर।
बधाई हो ठाकुर साहब, बधाई हो, लड़का हुआ है, लड्डू बांटो। अरे कितना प्यारा बच्चा है। अरे शेरू, अरे सभी को लड्डू बांटो, देखो बेटा हुआ है, देख कितना प्यारा है, देख 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 देख। हेलो कमिश्नर साहब। हाँ ठाकुर शमशेर सिंह, कहिए। हमें अपने बेटे के कातिलों का पता चल गया है। कहाँ है वो लोग? वो धर्मपुर के जंगल में विजय के सड़ में रह रहे हैं। ठाकुर साहब धीरज रखो, मैं अभी उस एरिया के एसपी को फोन करके अरेस्ट करने का ऑर्डर देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठाकुर साहब लगता है पुलिस घेरा डाल रही है। क्या? हाँ। इंस्पेक्टर जयसिंह को बोल दो बिना मेरे ऑर्डर के कोई गोली नहीं चलाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे? ठाकुर विजय सिंह, मैं एसपी बोल रहा हूँ। तुम चारों तरफ से घेरे जा चुके हो। मैं नहीं चाहता कि आपस में कोई खून खराबा हो। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप सरेंडर कर दो। ठाकुर, तुम्हारा कोई जवाब ना पाकर अब मैं 10 तक की गिनती के बाद तुम पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दूंगा। 1, 2। एसपी साहब, मैं अपने साथियों के साथ आपकी ईंट का जवाब पत्थर से देने को तैयार हूं। मगर मगर क्या? हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। अगर कोई भी गैर कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मेरा तुमसे वादा है। ठाकुर विजय सिंह, तुम्हारा इरादा क्या है? तुम्हारा कोई जवाब नहीं आया अब तक? एसपी साहब, मैं आपके पीछे हूं। एसपी साहब, आप चाहे मुझे बदमाश, मुजरिम या शरीफ समझे, यह आपका अपना कानून है। मगर मेरी आत्मा मरते दम तक यही कहेगी कि मैं एकता का पुजारी हूं। शाबाश ठाकुर विजय सिंह, तुमने जिस शांतिपूर्वक ढंग से आत्मसमर्पण किया है, इसका उदाहरण हमारे विभाग के इतिहास के पन्ने पे सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। मगर कानून के अनुसार तुम दोनों को शक्ति की हत्या के जुर्म में सजा भुगतनी पड़ेगी, और ये सजा ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम होगी। ये मेरा तुम तीनों से वादा है। सर, इस मासूम का क्या होगा? इसी फरिश्ते ने तो हमारे दिलों में आत्मसमर्पण की मशाल जलाई है। ठाकुर विजय सिंह, ये बच्चा अब तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। मैं इसे आप तीनों की तरह इंसाफ, एकता, भाईचारे के प्रेमी की तरह एक आदर्श नागरिक बनाऊंगा। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं आज के बाद जेल में उन कैदियों के अंदर भी तुम एकता, सच्चाई और भाईचारे की ऐसी मिसालें पैदा करो जो तुम्हारे नाम की तरह हमेशा मशाल की लौ की तरह जले। सर, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जय हिंद। जय हिंद। और इस तरह जेल के अंदर भी उन तीनों ने भाईचारे की एक मिसाल बना दी। इस कलयुग में झूठे का बोल भाला और सच्चे का मुंह काला। बाबा, बाबा आपके आशीर्वाद से और कैदी भाई बहनों की दुआओं से आज हम आजाद हो गए। तुम तीनों ने मिलकर बापू के सिद्धांतों और उसके आदर्शों पर चलने की जो ठानी है, उसे मझधार में मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना। सफलता तुम्हारे कदम छुएगी। जय हिंद। जय हिंद। Thank you.
अरे ठाकुर साहब, आप लोग हमारे स्वागत के लिए? विजय, तुम अपने नाम विजय की तरह जीत गए और हम हार गए, और तुम्हारी इस जीत का हम स्वागत करते हैं। भूल जाओ, जो कुछ भी हुआ उसे एक बुरा सपना समझ के भूल जाओ और गले लग जाओ। अमर, लोग मरने के बाद अमर होते हैं, तू जीते जी अमर हो गया। ठाकुर साहब, हम सब इसके आभारी हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हैं। अरे फूल डालिए ना। ज्योति बेटा, तुमने तो अपने नाम की तरह एक ज्योति पैदा करके एक मिसाल कायम की। टुकराइन माँ। अरे फूल डालिए ना, क्या कंजूसी कर रहे हैं। ठाकुर साहब, पहचाना इसे? कौन है ये? ये आपकी अमानत बेटा विश्वनाथ। अरे अरे, इतना बड़ा हो गया? एसपी साहब, आप तो महान हैं। ये देखो कितना बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया मेरा बच्चा, मेरा लाल। जो मेरा बेटा। कितना बड़ा हो गया। आपस में हो भाईचारा, यही हमारा नारा है।